हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज मैं बात करूंगा डीकैथलॉन के बेंच 500 के बारे में। आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितना प्राइस है इसका, क्या ये वर्दी है लेना, और अगर आप घर पे यूज करते हो तो क्या इसे परचेज कर सकते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो सारा डिटेल में बात करता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। आप देख रहे हो ये जो बेंच मैंने खरीदा है, बेंच 500 फोल्ड के नाम से मार्केट में मिलता है, मतलब डीकैथलॉन में मिलता है। और इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी है वो पड़ी है 6,999, मतलब 7,000 के अप्रोक्स पड़ी है। और डिलीवरी चार्ज मुझे खुद से देना पड़ा है, मैंने पोर्टर बुक करके खुद से अपने घर पे इसे डिलीवर करवाया। काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है, और मैक्सिमम वेट मतलब कि 110 प्लस 110, मतलब कि 220 kg तक आप इस पर डाल सकते हो। 220 kg में कुछ नहीं होगा, ये तीन मतलब कि तीन एक्सिस में ये उठ सकता है। यहाँ पे मैं आपको फोल्ड करके इसे दिखाता हूँ कैसे, किस किस तरीके से आप इस पे एक्सरसाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 30, 45 और 80 डिग्री। 80 डिग्री में ये सीधा खड़ा हो जाता है। अगर आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो आप 80 डिग्री में कर सकते हो। अगर आपको चेस्ट की नहीं, ये शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है तो आप 80 डिग्री पे कर सकते हो। अगर आपको चेस्ट की करनी है तो 30 और 45 डिग्री में कर सकते हो। ये इसकी बुकलेट है, आप देख सकते हो किस किस तरीके से। आप देखो, मैंने बोला था कि अगर 80 डिग्री पे जाते हो तो आप अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हो, 30 और 45 डिग्री में आप अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी आप इस पर बैठ के ट्राई कर सकते हो। 220 kg काफ़ी अच्छा होता है ये देख लो, एक बुकलेट मिलती है बेंच 500 फोल्ड के नाम से, ये मार्केट में बिकता है, मतलब डीकैथलॉन में बिकता है। ये इसका लेग है, लेग सपोर्ट के लिए दिया हुआ है। ये फोल्डेबल है, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अगर आप यहाँ पे बैठ के करते हो तो इस टाइप से हो जाएगा, अगर सो के करते हो तो ऐसे कर सकते हो। काफ़ी ड्यूरेबल है और अच्छा, मतलब कि इसकी जो वेट आती है 17.5 kg का इसका वेट है। जी हाँ, और जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका वेट 220 kg के अप्रोक्स भी है डंबल के साथ, तो आप इसे यूज कर सकते हो। तीन लॉक आप देख रहे हो, ये जो लॉक है, तीन लॉक्स होते हैं, एक लॉक्स यहाँ पे होता है, दूसरा लॉक्स इस साइड में लगती है और एक लॉक एक्स्ट्रा इसमें मिलता है। लॉक से मतलब क्या होता है, लेग्स आपकी मूव नहीं करेगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका दोनों लेग क्या होता है, लॉक हो जाता है इसका। और इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा गिरने से आप बच सकते हो। और अगर सेफ्टी पर्पस की मैं बात करूँ तो लॉक्स काफ़ी अच्छा है इसका, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। लोकल मार्केट्स में जो आप लेते हो तो बेंच, तो उसमें उसकी जो कुशंस होती है, कुशन की क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है, इसकी कुशन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। बट ये आप धूप में इसे यूज़ करने को इसे मना किया गया है, ये इंडोर के लिए है। अगर आप घर पे यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा है, आप बाहर में इसे यूज़ मत करना। अगर मैं पैसे की बात करता हूँ तो 7,000 में काफ़ी अच्छा सामान है डिकैथलॉन से, अगर आप घर पे यूज़ करना चाहते हो। मैंने जो अपना वेट कम किया है, मेरा वेट 98 था, अभी 72, 73 के अप्रोक्स में हूँ, तो थोड़ा सा मसल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया हूँ। तो मैंने इसे रिसेंटली परचेज किया है, रिसेंटली नहीं, कल ही मैंने इसे परचेज किया है, तो काफ़ी अच्छा है। आप इसे आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छा है। और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का आईडी है सफर विथ मयंक। तो जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।